गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट किया हुआ था, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने सारी जो है टॉपिक्स कवर कर लिए। आज हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? जैसे वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनसेचुरेशन, कि कंपाउंड में सेचुरेशन है या नहीं है। हम ये हमने डिटेल में पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन लैम्डा मैक्स। तो जैसे जैसे आप अनसेचुरेशन बढ़ाते जा रहे थे, आपकी जो एब्जॉर्प्शन है लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको सर्टेन क्ल्यू देगी अबाउट द अनसेचुरेशन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, की वेदर योर कंपाउंड कंटेन अनसेचुरेशन और नॉट। एंड सेकेंडली, यू कैन प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम्स, कि हेट्रो एटम प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर आपके हेट्रो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स प्रेजेंट हैं, तो उस कंपाउंड में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ साथ एन पाई स्टार ट्रांजिशंस भी आएंगी। जैसे कि हमने कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा था, कार्बोनिल ग्रुप में पाई पाई स्टार तो आती ही है, बट ऑक्सीजन ये हेट्रो एटम प्रेजेंट होने की वजह से आपकी वहाँ पर एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी आएगी, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन दैट कंपाउंड, ठीक है, कि प्रेजेंस है या एब्सेंस है फंक्शनल ग्रुप की उस कंपाउंड में। तो वो हमें एक, अगर एक पर्टिकुलर बैंड आपका एब्सेंट है एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो दैट इज़ द एविडेंस फॉर एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर नेगेटिव इन्फ्रेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना पॉजिटिव। किसी भी एक पर्टिकुलर बैंड का एब्सेंट होना, आप उसको उससे उस फंक्शनल ग्रुप की एब्सेंस का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इज़ एब्सेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड एप्लीकेशन इज़ डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन, कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको ये बताती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, क्या वो कंजुगेशन में प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके लिए आप ये एग्जाम्पल लीजिए। मैंने लिया है 4-methyl-pent-3-ene-2-one, ये आपका फर्स्ट, देखिए ये आपका वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव। तो क्या हो गया, ये 4-methyl-5 का मतलब पेंट हो गया, थ्री पर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, टू पर आपके कीटोन प्रेजेंट है, तो ये हो गया 4-methyl-pent-3-ene-2-one। और सेकंड मैंने लिया 4-methyl-pent-4-ene-2-one, ठीक है। तो अब आप ये बता सकते हैं इनमें से कौन से सिस्टम में कंजुगेशन है और कौन से में नहीं है बाय स्टडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, ठीक है। अब देखिए इस कंपाउंड में कंजुगेशन है, कैसे है, फर्स्ट के अंदर आप देखिए, फर्स्ट के अंदर मैं इसको एनलार्ज करती हूँ। अब देखिए आप, फर्स्ट के अंदर कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। तो कंजुगेशन इज़ देयर, और कंजुगेशन की वजह से इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखिए, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन सिंगल, अब बीच में दो सिंगल आ गए, फिर डबल आ रहा है, तो दिस इज़ इन आइसोलेशन, इसके अंदर आपका डबल बॉन्ड नहीं है कंजुगेशन में, तो यहाँ पर आपकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू रहेगी वो आपकी कम रहेगी ड्यू टू नो कंजुगेशन, ठीक है। तो आपको दो कंपाउंड्स का अगर स्ट्रक्चर गिवन है और आपको उनकी लैम्डा मैक्स पता है, तो आप ये बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में कंजुगेशन है
और किस में नहीं है। तो यानी जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसके अंदर आपकी पाई पाई स्टार ट्रांजिशन और जो आपकी एन पाई स्टार ट्रांजिशन है दैट विल बी एट लॉन्गर वेव लेंथ एज कम्पेयर टू सेकेंड, जिसमें कि आपकी कॉन्जुगेशन नहीं है, राइट। देन यू कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, कि कॉन्जुगेशन है तो कितनी है, मतलब कम है या ज़्यादा है, आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये भी हमने इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़ा था कि जितना आपका कॉन्जुगेशन ज़्यादा होती जाएगी, यानी जितने आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज़्यादा होते जाएंगे उतनी ही एब्जॉर्प्शन विल शिफ्ट टू लॉन्गर वेव लेंथ, ठीक है। जैसे कि हमने आप एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो इथीन है दैट एब्जॉर्ब्स एट 175 नैनोमीटर एंड ब्यूटाडाइन जो है जिसमें कि अब आपके कंजुगेशन प्रेजेंट हो गई है दैट विल एब्जॉर्ब एट 217 नैनोमीटर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी कंजुगेशन बढ़ती जाएगी, तो अगर आपके कंपाउंड में एट या एट से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हो जाते हैं तो इवन जो आपकी एब्जॉर्प्शन है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दैट शिफ्ट्स टू विजिबल रीजन। जैसे एग्जांपल देखिए, बीटा कैरोटीन जो पिगमेंट है उसके अंदर देयर आर 11 डबल बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन एंड दिस कंपाउंड विल एब्जॉर्ब एट लैम्डा मैक्स 455 नैनोमीटर, यानी कि विजिबल रीजन में ये जो है एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू देख के ये बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में जो कॉन्जुगेशन है उसका एक्सटेंट क्या है, कम है या ज़्यादा है। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्वालिटेटिव में कैसे, इट इज़ यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड कंजुगेटेड ओलिफिन्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स और कंजुगेटेड जो ओलिफिन्स हैं उसके अंदर आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय कंपेयरिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विद स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन कंपाउंड्स, कि लिटरेचर में नॉन कंपाउंड्स का सब है हमारे पास और हमने जो हमारे पास कंपाउंड है उसका स्पेक्ट्रम रन कर लिया, दोनों स्पेक्ट्रम को मैच किया, जिसके साथ मैच कर जाएगा वो कंपाउंड आपका होगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अंडर स्टडी। कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग लैम्बर्ट बियर ला। लैम्बर्ट बियर ला क्या पढ़ा था हमने, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। तो हम कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं बाय फार्मूला एब्जॉर्बेंस वर्सेस एप्सिलॉन एल, ठीक है। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हमें एब्जॉर्बेंस की वैल्यू पता चल जाएगी कि इस कंपाउंड ने इतने पर एब्जॉर्ब किया है, पाथ लेंथ हमें पता ही है हमारे ट्यूब की क्या होगी, और एप्सिलॉन हमें पता है, इंटेंसिटी हम स्टडी कर लेते हैं कि इतनी इंटेंसिटी का हमारा बैंड आया है, एंड यू कैन कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि आप इम्प्योरिटीज़ बता सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल में है या नहीं है। तो ये बेस्ट मेथड होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपका इम्प्योरिटीज़ पता लगाने का। उसमें क्या होगा कि आप प्योर स्पेक्ट्रम लेंगे और प्योर कंपाउंड लेंगे, उसका स्पेक्ट्रम रन कर लेंगे। एक आपका अगर इम्प्योर है जो आपको गिवन है जिसमें आपको बताना है कि ये प्योर है या नहीं है, उसका स्पेक्ट्रम रन कर लेंगे। तो अगर आपकी कोई एडिशनल पीक आ रही है तो दैट इज़ ड्यू टू इम्प्योरिटी इन द सैम्पल एंड कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम रन करना है, ब्यूटाडाइन का करना है, आपने प्योर ब्यूटाडाइन का स्पेक्ट्रम आपके पास लिटरेचर में अवेलेबल है, जो ब्यूटाडाइन आपके पास सैम्पल है उसका आप स्पेक्ट्रम रन करेंगे, अगर एग्जैक्टली मैच कर गया लिटरेचर से तो कोई इम्प्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई एडिशनल पीक आ गई तो दैट इज़ ड्यू टू इम्प्योरिटी, ठीक है।
और उसके जो एडिशनल पीक आई है उसकी क्या एब्जॉर्बेंस है, किस वेवलेंथ पे आई है, उससे हम इम्प्योरिटी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ये क्या इम्प्योरिटी थी मॉलिक्यूल के अंदर आपकी, किस वजह से ये इम्प्योरिटी आपकी आई थी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिटेक्ट इम्प्योरिटी बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द लास्ट एप्लीकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज़ यू कैन डिटेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन की वेदर सिस है आपका या ट्रांस है, आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, कि अगर आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो उसमें जो ट्रांस आइसोमर्स होता है दैट विल एब्जॉर्ब एट ग्रेटर लैम्डा मैक्स एंड एप्सिलॉन मैक्स एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर। ठीक है, जैसे कि आप देखिए स्टील बीन का केस लीजिए, ये आपका ट्रांस स्टील बीन है, ये आपका सिस स्टील बीन है। ट्रांस स्टील बीन के अंदर आपके देखो अब लैम्डा मैक्स 294 नैनोमीटर है एंड एप्सिलॉन मैक्स इज 24,000, और सिस के अंदर लैम्डा मैक्स आपकी 278 नैनोमीटर है एंड एप्सिलॉन मैक्स इज 9,350। तो सिस के अंदर ये वैल्यूज़ कम होंगी एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। वो क्यों होंगी, क्योंकि ट्रांस के अंदर जो कॉन्जुगेशन है वो इफेक्टिव कॉन्जुगेशन होगी, जो देर विल बी इफेक्टिव पाई पाई स्टार ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ट्रांस के अंदर, क्योंकि ट्रांस के अंदर जो स्टीरिक फैक्टर है वो कम है। यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जो बल्कि ग्रुप्स हैं दैट आर ऑन सेम साइड्स। ठीक है, सेम साइड्स पर होने की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है, जो इफेक्टिव कॉन्जुगेशन है वो इतनी बेटर नहीं होगी जितनी कि ट्रांस के केस में होगी। ट्रांस में बल्कि ग्रुप्स अपोजिट साइड पर होने की वजह से दैट रिजल्ट्स इन अचीविंग कोप्लेनरिटी ऑफ द पाई सिस्टम। ठीक है, ये जो है कोप्लेनर हो जाएंगे आपके जो सारे डबल बॉन्ड्स हैं बेंजीन रिंग के, और ये आपका जो इथाइलिन का सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है ये आपके प्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, और एंड कॉन्जुगेशन इज इफेक्टिव, और कॉन्जुगेशन इफेक्टिव है तो मीन्स दैट विल एब्जॉर्ब एट लोंगर वेवलेंथ। जबकि सिस के अंदर जो है बल्कि ग्रुप सेम साइड होने की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, अब आपके जो बॉन्ड्स हैं वो नॉन प्लेनर रहेंगे, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, पाई ऑर्बिटल जो ओवरलैप है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन कम, और कॉन्जुगेशन कम का मतलब दैट विल एब्जॉर्ब एट अ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो डिस्टिंक्शन है वो कर सकते हैं बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे, कि ट्रांस विल एब्जॉर्ब एट ग्रेटर लैम्डा मैक्स एंड एप्सिलॉन मैक्स एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर। राइट, तो ये आपकी कुछ एप्लीकेशंस थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।